राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर हंसल मेहता अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है उमेरता, जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश टेररिस्ट अहमद उमर सईद शेख पर आधारित है, जिस किरदार को राजकुमार राव पर्दे पर निभाएंगे। अभिनेता राजकुमार राव के साथ हंसल मेहता की ये चौथी फिल्म है। इंडिया टीवी संवाददाता सुमित शर्मा ने हंसल मेहता से बात की। कुछ खास बात बता सकते हैं कि मतलब ये क्यों चूज एकदम से ये टॉपिक को आपने, क्योंकि घटना करीब 16 साल पुरानी है। घटना पुरानी है, लेकिन ये घटना अभी भी आज भी मतलब रेलिवेंट है। भाई हमारी दुनिया बदल गई। भाई 9/11 जब हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स, तो उसने वो जो 2008 के बाद जो हमारी दुनिया थी वो बदल गई। 26/11, 9/11, तो हमारी दुनिया इस मिलेनियम में आते आते बदल गई पूरी। 99 में कंधार की हाईजेकिंग हुई थी, 3 लोगों को छोड़ा गया था, उनमें से एक ये था उमर शेख। और उसके बाद कैसे दुनिया बदल गई, टेररिज्म के जो मतलब हाथ से मतलब बढ़ते गए। और तो मैं समझता था कि ये कहानी ज़रूरी थी कि कैसे ये शख्स अपने आप तो काम नहीं कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इतने बड़े काम नहीं कर सकता है। इसने ये सारी चीज़ें की है सपोर्ट के साथ। वो सपोर्ट किसका था? आवाम का था? नहीं, ये सपोर्ट था सरकार का। तो पाकिस्तान की सरकार ने किस तरह से इसको पूरी तरह से अपना अपनी सिस्टम का हिस्सा बना के इन सारी चीज़ों को एंकरेज किया, एम्पावर किया। तो डैनियल पर्ल जो जर्नलिस्ट थे, उनको मारना, इतनी बेरहमी से मारना, और उसके बाद भी आज जिंदा रहना, और जिंदा रहने के बाद अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद निकल जाए। वो 2018 में शायद विल बी अ फ्री मैन। तो ये अपने आप में बहुत ही डरावनी सोच है। राजकुमार के अलावा किसी को इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है ना, इस रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार ने मतलब इसमें आप एक अजीब तरह की नफरत की भावना जो है वो आपको राजकुमार को देख के पैदा होगी। और वो मतलब उसने विलेन को भी उतनी कन्विक्शन के साथ किया है जो जैसे वो हीरो बनता है, जैसे वो कोई कैरेक्टर प्ले करता है। तो उसने इसको कैरेक्टर की तरह, विलेन को एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह, एक इंसानी कैरेक्टरिस्टिक की तरह उसने उसको समझा है और व्यक्त किया है। ये कहानी मुकुल देव एक्टर है, आप जानते हैं, काफ़ी वेल नोन एक्टर है। 2005 में उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी, तो तब से ये कहानी जहन में घूम रही है। और मुझे लगता है कि ये समय एकदम इस कहानी के लिए कमाल है और अप्रोप्रिएट है। उमेल्टा का मतलब एक कोड ऑफ साइलेंस, एक ऐसी चुप्पी जो उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम चुप्पी बनाए रखते हैं। तो वही है कि भाई उमर शेख जैसे शख्स, हमारी गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको अपनाया और उनको बनाया है उमर शेख, एक इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट उनको बनाया पाकिस्तान की सरकार ने। हम जानते हैं इसके बारे में, बात नहीं करते, खुलेआम कहते नहीं हैं। तो क्यों नहीं कहते? सवाल मेरा यही है, फिल्म ख़त्म होने पर यही सवाल है कि क्यों हम कहते नहीं हैं। कि अगर मैं इनजस्टिस के बारे में बात करता हूँ तो ये इससे बड़ा इनजस्टिस क्या हो सकता है कि एक शख्स को एक गवर्नमेंट पना देती है, ऐसा शख्स जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है। राज, एक बहुत ही अच्छे म्यूज मिल गए आपको ऐसे कहें। जी बिल्कुल, राज मतलब खुशकिस्मत हूँ कि राज 2011 में मेरी ऑफिस में आए, और जबकि मैं मिलना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये कौन है राजकुमार, और अगर मिला तो भी अगर अच्छा भी होगा तो फिल्म कैसे बनेगी, कौन पैसा देगा राजकुमार के साथ फिल्म बनाने, तो मैं परेशान था। और लेकिन मुझे मुकेश छाबरा, मैं खुश हूँ कि मुकेश छाबरा ने कहा कि मिल लो एक बार, ये आया है आपकी ऑफिस के बाहर ही खड़ा है, एक बार मिल लो, मेरे लिए मिल लो। बोला ठीक है। तो मतलब मैंने फ़ोन रखा नहीं कि राजकुमार अंदर आ गया, तो बाहर ही खड़ा था वो। और वो मीटिंग जो थी
उसने मतलब शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी, और मतलब बहुत ही मैं खुद को एक खुशकिस्मत समझता हूँ, और समझता हूँ कि कहीं ऊपर वाले ने उसको उस दिन भेजा था कि भाई अब एक होता है ना कि अमरीश पुरी जो कहते थे ना जा जी ले अपनी ज़िंदगी, कि वो मतलब राजकुमार वो संदेशा लेकर आया था। बहुत एक अमिकल वेवलेंथ मैच कर गई है, मतलब एक अलग ही लेवल पे आप लोग कनेक्ट कर गए हैं, एक पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लेवल पे हम लोग, और एक ग्रोथ हमने साथ में देखा है कि दोनों को जब बिल्कुल आशा नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, फिल्म रिलीज़ हो गई थी, हम अगली फिल्म सिटी लाइट्स पे काम करना शुरू कर दिया था, शूटिंग हो चुकी थी सिटी लाइट्स की जब हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला दोनों को, तो और वो एक ऐसा पड़ाव था हमारी ज़िंदगी में जिसने हम दोनों की ज़िंदगी को बदलना, एक जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में उस पड़ाव के बाद आया, तो वो कैसे भूल सकते हैं, वो हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट था।